देखो यार, आज कल मेरा बर्थडे था, बहुत अच्छा दिन था। तो जन्मदिन पे आपको हमेशा म्यूजिकली यू नो रहना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने जन्मदिन पे ड्रम बजाएंगे तो सारी उम्र हम सारे साल हम ड्रम बजाते रहेंगे, म्यूजिक बजाते रहेंगे। सो साथ में मैं बीट बना रहा था, क्रिएट कर रहा था कि ये बीट अगर हर ड्रमर बजाएगा इस गाने को लेके तो कैसा उसका रिस्पॉन्स रहेगा। जी जी जी, ये कमाल हो गया यार। एंड जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाने का नाम है #KRKKutta। सो जब भी आपको गाना पे डांस करना, रील्स बनानी, तो #KRKKutta, जो कि मैंने 9th को उसका टीजर डाला था। मैं चाहता तो 10th को मैं उसको रिलीज़ कर सकता था, बिकॉज मेरा बर्थडे था। तो मैं नहीं चाहता कि अपने जन्मदिन वाले दिन मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग बनाऊँ या किसी को हर्ट करूँ, चाहे वो KRK क्यों ना हो। जी, सो मैं नहीं चाहता था कि मेरे जन्मदिन पे, बर्थडे वाले दिन कोई ऐसा मैं गाना निकालूं। और अब फाइनली हमारा गाना रिलीज़ हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता था मैं गाना नहीं रिलीज़ करूंगा, क्योंकि जब गाना हम बना चुके हैं, गाने पे इसलिए इतना टाइम लगा था क्योंकि जो KRK है वो एक क्रिटिक्स है, जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक्स बोलता है। हर फिल्म के बारे में वो राय देता है, अपनी ओपिनियन देता है। तो मुझे म्यूज़िक उस लेवल का बनाना पड़ेगा कि ताकि उसकी बीट, उसका रैप, उसका जो वीडियो है वो उस लेवल का हो, क्योंकि KRK ने भाई उसके लिए व्यूज़ करने हैं, उसके लिए रिव्यू बताने के गाना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो और आप सभी को पता कि मैं कभी भी प्रमोशन के ऊपर, आप सभी को पता है मैं प्रमोशन के ऊपर कभी पैसा खर्च नहीं करता। एक मिक्का सिंह ऐसा जो व्यूज़ नहीं खरीदता या लाइक्स नहीं खरीदता, ऐसे बिलीव नहीं करता मैं। बट आप सभी का थैंक्स कि 1 मिलियन विद इन 3 आवर्स में जो ऑर्गेनिकली हुआ है, थैंक यू एवरीवन कि आपको गाना पसंद आ रहा है। क्योंकि एट द एंड मैंने बोला था कि गाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दो मैंने ये गाना #KRKKutta बनाया KRK के लिए, बट मैंने पहले भी बोला था अगर आपको अपने फ्रेंड्स ने चीट करा हो, अगर आपको कोई ऐसे लोग हो जो आपको हमेशा हेट करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप ये गाना उनको भी डेडिकेट कर सकते हो। वो जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को धोखा देते हैं, चीट करते हैं, यू कैन कॉल हिम कुत्ता 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 कुत्ते का बच्चा। वैसे तो वो बहुत डरता है मेरे से, पर मेरी उसकी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने 100 बार कहा है, इस बार फिर कह रहा हूँ कि बेटा मैं तेरे को मारूंगा नहीं, ना मैं तेरे को पीटूंगा, बट गाने के बारे में सही रिव्यू देना, आई बी हैप्पी। एक जेन्युइन तुम बताना कि यार गाना ऐसा था, बीट कमी रहेगी, बिकॉज हर गाने को बोलता है मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं। अब तो जनता को मज़ा आ रहा है, अब तो मैंने जनता के ऊपर सोच छोड़ा हुआ है। तो आई थिंक वो पहले जनता का रिजल्ट देखे, जनता का रिस्पॉन्स देखे, फिर वो रिव्यू दे। रही बात KRK की, तो मुझे उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने गाना बनाया उसको सबक सिखाने के लिए। अब ये है कि कल को मेरी और KRK की दोस्ती होती है या नहीं होती, लेकिन भाई #KRKKutta तो सारी उम्र के लिए चिपक गया तुम्हारे लिए। हाँ, एक्चुअली मैं मुझे लगा था कि जो मेरे फैंस हैं, मेरे एक हार्डकोर फैंस हैं जिनको मेरा हर गाना अच्छा लगता है, और ये कुत्ते के ऊपर 4th मेरा गाना है, नॉट KRK कुत्ते के ऊपर, लेकिन कुत्ते के ऊपर, जैसे बन गया पट्टा देखो बन गया कुत्ता, एक ये आया था। एक वीरे दी वेडिंग में अक्षय पाजी का गाना था, वो भी ऐसा ही कुत्ते के ऊपर गाना था। और ये अभी 3रा गाना ऐसा है, 4th गाना ऐसा है जो अगेन कुत्ते पे बना है। पर मुझे नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। कल मैं वैसे ही यूट्यूब चेक कर रहा था, तो अगर आप #भी नहीं डालना, आप तो KRK डालोगे तो KRK कुत्ता ही आ रहा है। और आप यूँ स्क्रॉल करना शुरू हो जाओगे तो कम से कम 2000 वीडियो मैंने देखे हैं। और जो आम जनता है, आंटियां हैं, बच्चे हैं, वो अपना यू नो अपना एंजॉय कर रहे हैं कुत्ता कुत्ता कह के। और ये कमाल हो गया, मैंने इतना बड़ा हिट होगा मुझे नहीं पता था। थैंक यू जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, पूरे मीडिया का वंस अगेन पूरे मीडिया का, और जितने मेरे फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने जेन्युइनली गाने को पसंद किया। क्योंकि किसी को सबक सिखाने के लिए कोई ऐसा गाना ज़रूर बनाना चाहिए जिससे आदमी को अकल आए कि अगर वो लोगों का मजाक उड़ाता है तो जब उसका मजाक उड़ता है तो कैसा लगता है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे KRK के बारे में, वो अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कहते। मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार तुम जो मुद्दा है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो, तुम मुद्दे से भटके हो। तुम सबके बारे में बात करते हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सलमान खान हो, पर जिनके बारे में तुमको बात करनी है
मिक्का सिंह के बारे में तो मतलब आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती बिल्कुल भी मुँह से, जब आप यहाँ वहाँ के अलग अलग ट्रैक पे जा रहे हो तो ट्रैक पे आके बात करो आप। हाँ तो मतलब समझ में भी आना, सी वी आर कंपोजर, एज आई अर्लियर सेड, मैंने पहले भी कहा कि हम एज अ कंपोजर, अभी वैसे भी आप सबको पता है कि 2 साल से सारे म्यूजिशियंस बेचारे बैठे हैं घर में, लोगों के पास शोज नहीं है, कुछ नहीं है। हम बीइंग फॉर्चुनेट, ऊपर वाले का अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नवाजा है कि ये टाइम हमने सर्वाइव किया और अच्छे से सर्वाइव किया। मिक्का भाई जैसे भाई के साथ हमने गाना किया, उन्होंने एज ए कंपोजर हमें बुलाया कि भाई ये काम करो। एज ए कंपोजर ऑन अ प्रोफेशनल नोट कोई भी हमें हायर कर सकता है, हम किसी के लिए भी गाना बनाएंगे, दैट्स नॉट एन इशू। बट बात यह है कि यार जो इस मेन मकसद जो है, मिक्का सिंह इतना बड़ा नाम के जिन्होंने ऐसा वीडियो और इस तरह का गाना किया है, तो मतलब मुझे लगता है कि जवाब की उम्मीद कर रहा है। अगर अगर मेरे घर के नीचे जाके कोई ऐसा बोले ना कि यहाँ पे खड़ा हूँ आ जा, तो शायद मैं तो ना रुक पाऊँ। और आप इतने बड़े वाले, अगर आपके अंदर इतनी बड़ी आपकी ज़बान है, तो फिर आप वो ज़बान दिखाओ यार। खाली खाली मतलब लिखने से ये वाली, तो पहली बात ये वाली झगड़े ही नहीं समझ आते मेरे को कि आपने लिख दिया, मैंने लिख दिया। मर्दों वाली बात तो ये है ना भाई, घर के नीचे खड़ा है आपके बंदा और आपको बोल रहा है कि आ इधर, फिर आप खामोश चुप। कमाल, कमाल की मर्दानी। एनीवेज गाना एंजॉय करो, मज़े करो, चिल मारो, मस्ती मारो, और बस थोड़ा सा बस खुश रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो ज़्यादा, आप घबरा घबरा के कुछ भी मत लिखो। गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हमने हर तरह का म्यूज़िक साथ में बनाया है, बहुत सारे गाने बनाए हैं, बहुत सारे गानों को आप लोगों ने प्यार दिया है, रोमांटिक गाने बनाए हैं, पार्टी सॉन्ग बनाए हैं। मिक्का भाई के साथ भी बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है और अभी भी कर रहे हैं, आगे अभी आने वाले कई सारे गाने हैं। बट फॉर दिस सॉन्ग आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना प्यार हमारे फैंस की तरफ से हमें मिलेगा। एंड एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ सच काइंड, मतलब ऐसा क्वर्की और इस तरह का गाना कभी हम लोगों ने पहले किया नहीं, पर फर्स्ट टाइम किया है और इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। मतलब 1 घंटे में गाना 1 मिलियन पहुंचा है, सो आई एम रियली हम्बल्ड एंड थैंकफुल टू ऑल आर फैंस के जिन्होंने गाने को इतना पसंद कर रहे हैं। मुझे पर्सनली कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सो आई एम रियली थैंकफुल एंड हम्बल्ड। जी देखिए, बहुत अलग सा कंटेंट है, बहुत अलग सा वाइब है। एज ए कंपोज़र हमारी ड्यूटी होती है कि जब हमें एज ए कंपोज़र हायर किया जाए तो हम उस गाने में अपना पूरा 100% दें, पूरा अपना जो बेस्ट है जो कर सकते हैं। जैसे गाने के नोट्स जिस तरह के कंपोज किए गए, वो मिक्का भाई की वॉइस को ध्यान में रख के हमने कंपोज किए, एंड वो धुने जब धुन बनाई गई तो वो उस तरीके से धुन बनी है। और ये अनएक्सपेक्टेड है, मैं भी कुछ देर पहले किसी से बात कर रहा था कि यार मतलब इस तरह का ऑर्गेनिक रिस्पांस आना ये तभी पॉसिबल होता है कि जब लोगों को जेन्युइनली किसी चीज़ का इंतज़ार होता है और जेन्युइनली किसी चीज़ के लिए प्यार होता है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज लाऊंगा कि जेन्युइनली या तो किसी से प्यार हो या जेन्युइनली किसी से नफरत हो, तो मेरे लिए ये चीज़ उस तरह से मैं इसको रखना चाहूँगा कि मतलब कोई भी इंसान किसी के भी बारे में उठ के कुछ भी नहीं बोल सकता। ये गाने के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि आपको अगर कोई पावर दी गई है, अगर आपको कुछ आपके पास में अथॉरिटी है, तो आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो ये मिसयूज़ जो इतने टाइम से हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई आवाज़ नहीं उठाता। हम इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, हम इस इंडस्ट्री के हिस्से हैं, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा KRK भाई से कि आप ने हमेशा हर किसी के बारे में कुछ भी बोला, जो आपके मन में आया, जो आपकी ज़बान में आया, आप बोल देते हो, आप सोचते नहीं हो, तो ये एक अच्छे मुसलमान की निशानी नहीं है। अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान, पहले तो अच्छा इंसान बनना इंसान के लिए ज़रूरी है, मुसलमान तो वो बाद में बनता है। तो आप थोड़ा सा मतलब एक बैलेंस करके बात करनी चाहिए। आप उठा के मुँह उठा के किसी को भी कुछ भी बोल दो, किसी के बारे में भी आप शब्द आप बोलते हैं, आप क्रिटिक पे बात कीजिए, आप पॉइंट पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह की बातें करना वो थोड़ा सा बुरा लगता है, लोगों के दिल तक पहुंचती है बात। तो मैं इस गाने के ज़रिए, मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूं, पर हाँ ये भी इस गाने के बनाने के पीछे एक हमारा रीज़न है। तो दैट्स इट। चैलेंजिंग तो मतलब
निक्का भाई के साथ काम करना इज ऑलवेज फन, पर हाँ हमारे लिए मतलब रोमांटिक गाने ज़्यादा किए हैं और सैड सॉन्ग ज़्यादा किए हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था इस तरह का क्वर्की गाना बनाना जिसके अंदर इस तरह के अल्फाज हों और लिरिकली कंटेंट काफ़ी अलग सा है। मैं कहूँगा कि जो लिरिक्स राइटर उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है इस गाने को लिखते वक्त, और मतलब जिस तरह की सोच थी जो मिक्का भाई के दिल में चल रहा था कि गाना ऐसा होना चाहिए, धुन ऐसी होनी चाहिए, बीट ऐसी होनी चाहिए, राइटिंग वैसी होनी चाहिए, तो राइटर्स का भी बहुत बहुत बड़ा अच्छा उनका बेस्ट उन्होंने दिया है। मैं कहूँगा कि बड़ा योगदान है, क्योंकि राइटिंग के बिना धुन अधूरी होती है। तो एज अ कंपोजर, एज अ धुन मेकर, वी मेक द मेलोडी, और मेलोडी के बाद जब राइटिंग आती है तब जाके वो गाना मुकम्मल सुनाई देता है। तो सभी ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया। मेलोडी तो देखिए वो गाने में होना ज़रूरी है। अब इस तरह के गाने में भी जिसमें हाफ ऑफ द पार्ट इज रैप, उसके अंदर हम लोगों ने मेलोडी डाली है, जो स्टार्ट की जो लाइन है, ये जलील बड़ा दरारा रा रा, ये मेलोडी है, दरारा है बड़ा चुतिया। तो मेलोडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सॉन्ग, बिना शुरू के तो गाना ही नहीं होता है। तो मेलोडियस गाना है, क्वर्की है, मज़ा आएगा, लोग अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे, दोस्त शायद जो कमीने दोस्त हैं वो एक दूसरे को डेडिकेट भी करें। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि भाई, एक दोस्त का फोन आया था मुझे भी थोड़ी देर पहले, बोलता है भाई मेरे दोस्त की बर्थडे आने वाली है, बड़ा कमीना है, बड़ा परेशान करता है लोगों को, मैं उसकी बर्थडे में बजाऊंगा। तो ये इस तरह गाना है कि लोग भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इज ऑलवेज ऑलवेज फन, वी ऑलवेज बींग फॉर्चुनेट दैट मिक्का भाई ऑलवेज लव्स आवर म्यूजिक, हमेशा हमारे म्यूजिक को प्यार करते हैं, हमेशा हमारी तारीफ करते हैं, तो हमेशा वो कुछ भी म्यूजिकल काम होता है तो हमें इनरोप करते हैं अपने काम में, और हम कई सारे गाने आगे भी साथ में करने वाले हैं, सो इट्स ऑलवेज फन। और बाकी किसी को ऐसा डायरेक्ट मिंच नहीं है, मगर जैसे कि शारिफ ने काफ़ी अच्छी बातें कही और मैं इस बारे में और तो क्या ही बोलूँ। नहीं, 100% देखिए, आप आज का दौर कैसा है कि आज के दौर में आप बहुत अच्छे अच्छे मेलोडीज, लोग बहुत अच्छे अच्छे सुनकार, सुरकार, सुरदार बहुत सारे पड़े, सूरदास बन गए बेचारे पड़े। मगर होता क्या है कि जब कोई एक नई बात, नई चीज़ और नयापन कुछ ऑडियंस को मिलता है ना, आज का जो यूथ है, आज के जो लोग हैं वो बहुत बहुत स्मार्ट है, मतलब कुछ नया सुनना है, कुछ नया चाहिए। अब वो बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं नाम जाना नहीं चाहूँगा, कि कुछ भी भलता भलता करते रहते हैं, अब वो भलती चीज़ें चल जाती हैं, और जो बेचारे सूरदास हैं जिन्होंने काम किया है, मेहनत करी है, उनका कुछ हो नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक नयापन है, नया फन है, मतलब बेसिकली नयापन भी है, नया फन भी है, कंटेंट है, लोगों को पसंद आता है, ऐसी चीज़ें लोग ढूंढते हैं, तलाशते हैं, मौका मिला हमें कंपोज करने का, हमने बना दिया, बाकी लोगों का प्यार आप देख ही रहे हैं कितना प्यार मिल रहा है, फैंस, हमारे फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूजिशियन हम लोग का जो काम है, जो हमारा फ़र्ज़ है, लोगों को एंटरटेन करना अच्छे म्यूज़िक से, तो इस गाने के ज़रिए भी हमारी कोशिश वही है कि हम एंटरटेन करें। 2 साल से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन है, पैंडेमिक चल रहा है, तो एक मसाला एक थोड़ा सा ज़िंदगी में, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ को लेके, जो जिसको पॉइंट ऑफ व्यू जिसको समझना है वो उसको अपने मन में अपना समझता है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हो वही सामने वाला सोचे। तो हर इंसान की सोच अलग होती है, इस तरह हमारी सोच अलग है, बाकी लोगों की सोच अलग है, पर हाँ एक बात और ऐड करूँगा कि गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना वो भी फ़र्ज़ है। एज अ म्यूजिशियन जैसे गाना बनाना, लोगों को एंटरटेन करना हमारा फ़र्ज़ है, उसी तरह से गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एज अ ह्यूमन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, वो भी हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।